أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आप सबको आज जी फाइव फैमिली कुरान क्लास में खुश आमदीद। क्लास का हम आगाज करते हैं एक खूबसूरत दुआ से, और दुआ के लिए रफी मिशान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उकदतम मिन लिसानी। तर्जुमा, ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए कुशादा कर दे और मेरा मामला मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह रबी साहब। और हसब मामूल आज एक और खूबसूरत हदीस मोहतरम मुईद हामिद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज की हदीस किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन बाबुल अव्वलुल फ़स्ल सानी हदीस नंबर 2205 है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरान पढ़ने का तरीक़ बयान करते हुए फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरान करीम की तिलावत ठहर ठहर कर करते थे। आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर तवक्कुफ़ फरमाते, फिर अर्रहमानिर रहीम पढ़ते और फिर तवक्कु फरमाते, रुकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकुमुल्लाह मुईद साहब, थैंक यू वेरी मच। अब एक छोटा सा इक्तबास हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं, कुरान शरीफ तदब्बुर और तफक्कुर व गौर से पढ़ना चाहिए। हदीस शरीफ में आया है कि यानी बहुत ऐसे कुरान करीम के कारी होते हैं पढ़ने यानी पढ़ने वाले हैं कि जिन पर कुरान करीम लानत भेजता है, और जो कुरान शख्स कुरान पढ़ता है और उस पर अमल नहीं करता उस पर कुरान मजीद लानत भेजता है। फरमाया, तलावत करते वक्त जब कुरान करीम की आयत रहमत पर गुजर हो वहाँ खुदा ताला से रहमत तलब की जाए, और जहाँ किसी कौम के अजाब का जिक्र हो तो वहाँ खुदा ताला के आगे पनाह की दरख्वास्त की जाए, और तदब्बुर व गौर से पढ़ना चाहिए और इस पर अमल किया जाए। ये हवाला लिया गया मलफूजात जिल्द दो सफा 191। अब थोड़ी सी हम हस्बे मामूल दोहराई के लिए जाते हैं। ये बार बार हम दोहराई इसलिए भी करते हैं क्योंकि तकरीबन रोजाना हर 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 क्लास के अंदर हम नए कवायद सीखते हैं, तो जब हम पिछले कवायद को साथ मिला के दोबारा दोहराई करते हैं तो उनके अच्छी तरह जहन नशीन होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर क्लास में क्लास के शुरू में जो भी कवायद में समझ के इनको दोहराना जरूरी है वो मैं शुरू में दोहरा देता हूँ, ताकि बाकी लोग जो नए भी शामिल हुए हैं वो भी इससे इस्तफादा हासिल कर सके, और जो पहले से शामिल है वो भी उनकी रहनुमाई के लिए ये अच्छा है कि उनकी दोहराई हो जाती है। और ये बात क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं हमजा और अलिफ हमजा, तो ये जो
ये लेटा हुआ ऐसे जो ओरिजिनल शेप है हमजा की, इसको हमजा इस तरह लिखा जाता है। और फिर मैंने कहा था कि अलिफ जो है इसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, इसके ऊपर जब भी कोई हरकत आती है, कोई भी हरकत हो, तो वो अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमजा की आवाज बन जाती है। और जैसे ये हमजा गले के, ये वाला हमजा गले के बिल्कुल नीचे सीने के करीब से अदा होता है, तो उससे ये हमजा अलिफ भी वही चीज है, और उसकी आवाज का मखरज भी वही है और वहीं से अदा होता है। और जैसे ये आपके सामने है कि अलिफ अगर किसी हरकत के बगैर है तो फिर हम इसको अलिफ कहते हैं। और कुरान करीम को अगर आप खोल के देखें तो बहुत सारे अल्फाज बाज दफा आपको नजर आएंगे जिनके शुरू में एक खाली अलिफ लिखा होता है, जैसे ये बगैर किसी हरकत के। और ये अलिफ जो है जब दो अल्फाज को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये दरमियान ये वाला हमजा वसली जो है ये ड्रॉप हो जाता है, इसको फिर नहीं अदा किया जाता। लेकिन जब अभी आपको वक्त की वजह से या किसी और सूरत में उस लफ्ज से कुरान करीम की तिलावत शुरू करनी हो तो फिर ये हमजा वसली के एक खास कवायद है, उनको मद्देनजर रख कर फिर आप इसकी हरकत का तयन करते हैं और फिर उसको उस हरकत के मुताबिक अदा करते हैं। और बाज कुरान करीम जैसे जो मसलन उस्मानी जो हसमुल खात है उसमें अगर आप देखें तो ये इस तरह का सौद की छोटा सा ऊपर निशान हमजातुल वसल के ऊपर लगा होता है, और इसका मतलब जहां भी आप ये निशान देखें और या बगैर किसी हरकत के शुरू में अल्फाज के देखें तो इसका मतलब यह है कि वसल करते वक्त यानी दो अल्फाज को आपस में मिलाकर पढ़ते वक्त आपने इसको नहीं अदा करना, लेकिन जब आपने इस लफ्ज से पढ़ना शुरू करना है तो फिर इस आपने कवायद के तहत उसको हरकत देनी है और फिर आपने उस हरकत के तहत इस हमजा को अदा करना है। इसको हमजातुल वसल कहते हैं। और इसके कवायद हमने सीखा था कि तीन कायदे हैं, तो तीन कायदों के लिए मैंने ये एक आसान स्लाइड इसलिए बनाई थी कि आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलें तो आपके लिए फिर इसको समझना बहुत आसान है। कि सबसे पहले आप ये तय्यन करें कि अलिफ हमजातुल वसल के बाद लेटर कौन सा है। अगर तो लेटर लाम आया है, चाहे वो किसी हरकत के साथ है, चाहे सुकून के साथ है, चाहे तशदीद के साथ है, तो आपने फौरन वहां पे ये करना कि हाँ अलिफ के बाद लेटर लाम है, तो आपने हमजातुल वसल के ऊपर हमेशा फतह की हरकत लगानी है। तो आप इसको पढ़ेंगे अर्रहमान या अर्रहीम अल कय्यूम, क्योंकि अलिफ के हमजातुल वसल के बाद हमने देखा कि तीनों अल्फाज में आपको लाम नजर आया तो आपने फौरन फैसला कर लिया कि हमजातुल वसल के ऊपर फतह आएगी। अगर आपका जवाब नहीं नफी में है कि अलिफ के बाद लाम नहीं है तो फिर आपने दो सूरतें आपके पास, फिर दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि क्या हमजातुल वसल के बाद लाम नहीं है तो जो तीसरा मुतहरक लेटर है उसके ऊपर कौन सी अलामत है। जैसे आप देखें कि अलिफ हमजातुल वसल है ये, इसके बाद दाल दूसरा, और ये तीसरा लेटर है खा, इसके ऊपर है दमा की अलामत। तो जब आपने देखा कि तीसरे मुतहरक लेटर के ऊपर दम्मा की अलामत है तो आपने अलिफ के ऊपर हमेशा दम्मा लगा के उसको अदा करना है। तो हम कहेंगे उदखुलू, ये दम्मा उद की वजह खा के ऊपर दम्मा की अलामत है। तो अगर तीसरा स्टेप ये है कि ना तो वह अलिफ के बाद लाम है, लाम के बाद आपने देखा कि तीसरा मुतहरक लेटर अगर लाम नहीं है तो फिर आपने देखना है कि तीसरे मुतहरक लेटर पर दम्मा है तो दम्मा लगा दें अलिफ के ऊपर। अगर ये दोनों सूरतें पूरी नहीं हो रही कंडीशन तो अलिफ के नीचे कसरा आएगी। फिर आपने देखा कि लाम अलिफ के हमजातुल वसल के बाद लाम भी नहीं है, फिर दूसरा आपने देखा कि जो लाम नहीं है तीसरा मुतहरक लेटर उस पर दम्मा भी नहीं है, तो फिर चाहे फतह हो चाहे कसरा हो आपने हमजातुल वसल को हमेशा कसरा के साथ ही पढ़ना है।
तो ये दो मिसालें आपके सामने हैं। जीम को आपने देखा, इसके नीचे कसरा है, ये तीसरा हमजतुल वस्ल के बाद रा है साकिन, और तीसरा मुतहरक लेटर है जीम जिसके नीचे कसरा, तो आपने हमजतुल वस्ल को कसरा के साथ अदा करना है। अगली अगले लफ्ज में आप देखें कि पहले अलिफ हमजतुल वस्ल है, आगे आयन के ऊपर सुकून है, और तीसरा मुतहरक लेटर लाम है। यहाँ पे ये गलती ना खाएं कि कोई समझे कि ये लाम है और फता भी है तो मैं आलमू करके पढ़ दूं, नहीं, आपने ये लाम यहाँ पे तीसरी जगह पे है ना कि दूसरी जगह पे। अगर यही लाम इधर होता तो फिर हमजतुल वस्ल के लिए कंडीशन और होनी थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये तीसरा है तो आपने एलमू करके पढ़ना है के लाम के फतह की वजह से, तीसरे मुतहरक लेटर की फतह की वजह से या हमजतुल वस्ल ने कसरा ली। फिर हमने नून कुतनी के मतलब जाना कि नून कुतनी एक छोटा सा नून लिखा होता है दो अल्फाज के दरमियान में, और ये नून कुतनी हमें ये बात की निशानदेही करता है कि जो दो अल्फाज में से पहला लफ्ज है उसके आखिर पे तनवीन है। अब जो इंडो पाकिस्तान मैंने बताया था कि कुरान करीम छपते हैं वहां पे तनवीन नहीं लिखी होती, वहां पे सीधा ही नून कुतनी लिखा होता है दो अल्फाज के दरमियान में, लेकिन जब आप अरबी किस अरब के कुरान में देखें तो बाज आप देखेंगे वहां आपको नून कुतनी नजर नहीं आएगा, लेकिन जो दो अल्फाज है उसके आखिर पर तनवीन नजर आएगी। तो उनको जो अहले जुबान है उनको पता है कि ये आखिर पर तनवीन है, और उससे आगे हमजतुल वस्ल के बाद पहला जो है हरफ उसके ऊपर है सुकून, तो दोनों दो सुकून के लेटर को आपस में मिलाकर हम कभी नहीं पढ़ सकते। वसल या मिलाकर हम उसी वक्त पढ़ते हैं जब एक हरफ मुतहरक हो और दूसरा हो सुकून के साथ या तशदीद की अलामत के साथ, तब हम आपस में मिलाकर पढ़ते हैं। तो दो नून क्योंकि आपस साकिन नून मिलाकर, दो साकिन हरूफ क्योंकि मिलाकर नहीं पढ़े जाते, इसलिए वो एक छोटा सा फिर नून दरमियान में लिख दिया जाता है, उसको नून कुतनी कहते हैं, और नून कुतनी हमेशा कसरा के साथ ही अदा होता है। जहन में रखें हमेशा नून कुतनी कसरा के साथ अदा होता है, और जब आप ये उसी वक्त पढ़ा जाता है जब आपने दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ना है। अगर आपने फैसला किया कि मैंने दोनों अल्फाज को मिलाकर नहीं पढ़, क्योंकि नून कुतनी में आप बाज दफा देखें कि एक लफ्ज आयत से पहले है और दूसरा आयत के बाद है, और बाद जगह ऊपर ला का निशान भी होता है, तो आप मिलाकर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपने नून कुतनी अदा करना है। अगर आप वहां पे वक्फ कर रहे हैं तो फिर आपने नून कुतनी को अदा नहीं करना, नया अगला जो हर्फ है आयत के बाद या आयत के बगैर आपने फिर उसको हमजतुल वस्ल के कवायद के तहत जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखे उसके तहत उसको पढ़ना है। तो ये मैंने ये तो तीसरी दफा मेरा ख्याल दोहराई हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे मैंने कुछ मिसालें रखी हैं, वो आज जब हम प्रैक्टिस मश्क की तरफ जाएंगे तो वहां पे मैं आपके आपसे पूछूंगा, लेकिन इसको मैंने अच्छी तरह आज खोल के फिर बता दिया आपको कि नून कुतनी क्या है और उसकी वजह क्या है, वो क्यों लिखा होता है और उसको कैसे अदा किया जाता है। फिर हमने पिछली क्लास में अहकामुल वक्फ के मुतल्लिक सीखा था कि वक्फ से मुराद है ठहरना या रुकना। तलावत कुरान करीम के दौरान आपको बाज़ सूरतों में रुकना पड़ जाता है, तो ये हमने देखा था कि किन किन वजूहात की वजह से हम तलावत करते हुए रुकते हैं। एक तो पहली वजह यह है कि आयत खत्म हो रही है, उसके आखिर पर एक छोटा सा गोल या चकोर निशान होता है, वहां पे आपने रुकना है। तो इस वजह से हम, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि आप हर एक आयत के ऊपर अपनी तलावत, जैसे अभी आपने हदीस भी सुनी कि ठहर ठहर कर तलावत किया करते थे, तो खास तौर पर वो इत्तमाम करते थे कि हर आयत के इख्तिताम पर रुका जाए, वक्फा किया करते थे। तो इसलिए पहली बात तो ये हो गई, और इसी में ही बात वो भी आ सकती है, बाज दफा बाज लोगों के शायद जहन में हो कि बाज दफा सजदा का निशान भी लिखा होता है हाशिया के अंदर, तो वहां भी आपको रुकना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि लाजमी नहीं है तो
तो इसलिए उसको आप इसके तहत ले सकते हैं कि वहां भी सजदा के वक्त भी रुकना चाहिए, जब आपने सजदा करना है तो आपने रुक के फिर तिलावत को रोके, सजदा अदा करके फिर वापस आपने तिलावत करनी है। दूसरी वजह हमने ये देखी थी कि कुछ रुमुजुल औकाफ हैं जो बताया गया है कि कुरान करीम के मानी के मुताबिक यहाँ पर रुकना लाजम है, क्योंकि अगर आप नहीं रुकते तो कुरान करीम के मानी वाजे नहीं होंगे, दो जो बात वहां पे हो रही है वो वाजे तौर पर सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए वाजे नहीं हो सकती। इसलिए जहां भी आप वक्फे लाजम का निशान देखें वो ये लेटी हुई मीम, छोटी सी मीम, ये इस तरह का निशान है, या ये नहीं है तो वक्फे लाजम आपके वजाहत के लिए साइड पे हाशिए में भी लिखा होता है। तो जहां भी आप ये दोनों चीजें देखें तो आपने फौरन वहां पे वक्फ करना है, वक्फ करने के बाद पूरा सांस तोड़ना है, वक्फ करना है और फिर आगे पढ़ना शुरू करना है। लेकिन बाज इसको इस मीम के साथ गलतफहमी में ना आप इसको समझे, इसीलिए मैंने वजाहत के तौर पर यही इसको आपके सामने रख दिया कि ये मीम हरफ के ऊपर लिखा होता है और ये इकलाब की निशानदेही करता है कि यहाँ इकलाब का रूल, नून की आवाज मीम में तब्दील हो रही है। तो लेकिन ये वाला मीम हमेशा दो आप अल्फाज के दरमियान में देखेंगे, तो इस ये वक्फे लाजम की निशानी है और ये इकलाब के रूल की निशानी है। तो आपने ये जहां पे ये वाला मीम देखना है वहां पे वक्फ करना है। फिर तीसरी चीज हमने ये देखी थी कि बाज़ औकात आयत इतनी लंबी होती है कि किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता कि वो एक ही सांस में बगैर सांस टूटे आप पूरी की पूरी आयत पढ़ते चले जाए। तो इसलिए कुरान करीम क्योंकि आसानी के लिए है हर के लिए, तो इसमें कोशिश करें कि जहां बेवजह लंबा सांस करके अपना सांस बंद करके कि मैं आयत मुकम्मल कर लूं इसकी जरूरत नहीं है। आप जहां भी देखें कि मुनासिब जगह पे आप देखें कहां पे स्टॉप कर सकते हैं और वहां पे आप वक्फ करके उसके बाद आगे तलावत कर सकते हैं। अगर वो ऐसी जगह पे आपने वक्फ कर लिया जहां पे आगे आप नहीं कर सकते, जैसे सुम्मा है, वाह है, वो रब्बी सर उस वक्त बताया था कि बहुत सारे कई अल्फाज है जहां पे आप आगे से उसी तरह चल सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी ऐसी जगह पे वक्फ कर लिया जहां पे आप नहीं जा सकते तो आप फिर दो तीन पीछे आप जहां पे सही मानवीय तौर पे आप दोबारा शुरू कर सकते हैं वहां से शुरू करके उसको पढ़े। लेकिन हर दो सूरतों में, चाहे वो आपको पीछे से जाकर दोहरा कर पढ़ रहे हैं या वैसे वहीं से पढ़ रहे हैं, जहां आपने वक्फ किया वहां पे आपने वक्फ के कवायद को मद्देनजर जरूर रखना है। फिर ये नहीं है कि आप उसको अगर तनवीन है तो तनवीन के साथ ही पढ़ दें, अगर दम्मा लिखा है तो दम्मा के साथ ही पढ़ दें। जहां पे वक्फ का जो कायदा अप्लाई हो रहा है वो आपने उसके मुताबिक ही वक्फ करना है, उसको आरजी वक्फ कहते हैं और आपने कहीं भी इसको कर सकते हैं। तो ये तीन वजूहात हमने देखी थी कि जिनकी वजह से वक्फ करते हैं। एक तो अब यह है कि रुमुज़ुल औकाफ वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जगह पे आपने वक्फ जरूर करना है, और दूसरा यह है कि वक्फ के तरीक क्या है, वक्फ के कवायद क्या है, किस तरह आपने उनको देखना है। तो ये आज के इंशाल्लाह आगे क्लास में आएगा। फिर हमने ये देखा था कि वक्फ की पांच इकसाम है, ये इल्मी बात थी, मैंने कहा था कि आप इसको सिर्फ ये है कि जब आप तर्जमा सीख पढ़ रहे हैं तो आप फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या मजमून चल रहा है, तो आपने उस हवाले से मुख्तलिफ वक्फ की इकसाम बयान हुई है। तो पहला है वक्फुल लाजिम के बाद आयात में दो मुख्तलिफ मजमून बयान किए गए हैं, इन दोनों में वक्फ के जरिए हद फासल कायम रखना जरूरी होता है। इस वक्फ की निशानदेही अभी हमने सीखा कि वो छोटा सा मीम जो लिखा होता है दरमियान में दो रूप के, जहां भी आए आपने वहां पर रुकना है, ये वक्फुल लाजिम है। फिर है वक्फुत ताम, कुरान करीम में बाज मजामीन ऐसे पाए जाए एक मजमून मुकम्मल हो जाए दुराने तलावत इस मुकाम पर सांस लेकर ठहर जाना वक्फे ताम कहलाता है। ताम ये तमाम से है ये लफ्ज, तो जिसका मतलब है पूरा हो जाना। तो ये मतलब ये कि यहाँ पे मजमून एक पूरा हो गया है तो आप इसको सांस तोड़ के थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं यहाँ पे, और जो मजमून असल में बयान हो रहा है वो बात पूरी हो गई है। फिर है अल वक्फुल काफी के जहां कुरान करीम में एक जुमला मुकम्मल तौर पर अदा हो, जुमला जो बात हो रही है लेकिन जो बात पीछे इन कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है वो अभी तक मुकम्मल नहीं है, वो मजमून चल रहा है,
तो वहां ठहरना वक्फ काफी कहलाता है। फिर आगे है अल वक्फ हसन। कुरान करीम में जहां मानी के लिहाज से एक जुमला मुकम्मल हो जाए मगर मजमून अभी मुकम्मल ना हो वहां ठहरना वक्फ हसन कहलाता है, खा ये आयत के दरमियान में हो या आयत के अख्ताम पर। और आखिरी था अल वक्फ कभी, यानी कुरान करीम में ऐसे कलमा पर वक्फ किया जाए जिसका अपने बाद वाले लफ्ज से लफ्जी और मानवी तल्लक हो, दोनों में आज तो तालमेल हो, तो ये वक्फ वक्फ कभी कहलाता है। और कभी ये आयत के आखिर पे आता है, कभी आयत दरमियान में या कभी आखिर पर। लेकिन जो असल सीखने वाली बात है ये वो है रमूज़े अकाफ, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ठहरने। और अगला जो आज लेसन है कि वक्फ करने का तरीक क्या है, जहाँ पे आपको किसी भी तीन वजूहात की वजह से, आयत लंबी होने की वजह से, रमूज़े अकाफ की वजह से, ये सांस टूटने की वजह से ठहरना पड़ जाता है, तो आपने ठहरना कैसे, किस कायदे के तहत कौन सा कायदा अप्लाई करना है, वो आज इंशाल्लाह आ जाएगा, हम सीखेंगे आगे जाके। ये रमूज़े औकाफ हमने पिछली क्लास में सीखे थे, तो मैंने उसको समरी के तौर पर आपके सामने ये रखा कि आपने कुरान करीम की जहां भी आयत का निशान देखे, चाहे वो गोल है चाहे चकोर है, आपने आयत पर रुकना है। इसमें इसलिए भी सवाब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चाहे इसके ऊपर ला का निशान भी हो। अमूमी तौर पर आप देखें कि ला जहां आयत के दरमियान में आए तो आपने वहां पर रुकना है और कंटिन्यू करना है, लेकिन जब आयत के ऊपर आए तो आप कंटिन्यू करने के बजाय रुक भी सकते हैं, और रुकना बेहतर है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत के इख्तिताम पर रुका करते थे। फिर यह है कि मीम और तौ किफ और कफ और वक्फ और नबी वक्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कफ का तौ मीम और वक्फ नबी, ये चार इलामात जो है ना, और पांचवी आप समझे कि वक्फ। जितने भी निशानात है इलामात हैं उनमें से पांच आपने जेहन में रख लें कि मैंने यहाँ पे रुकना है, तो बाकी फिर आपकी ना मुजवज है, कहीं वक्फा करना अपने, कहीं वो कहते हैं पढ़ने वाले की मर्जी है ठहर जाए कंटिन्यू कर ले, लेकिन इन पांच के ऊपर आप अपना एक कह लें कि मैंने ये अपने तौर पे जाती तौर पे एक अपना बना लें कि मैंने यहाँ पे वक्फ करना है, तो आपके लिए सहूलत रहेगी बाकी सीखने के लिहाज से। तो ला के ऊपर आपने कंटिन्यू करना आयत के दरमियान, आयत के ऊपर आ जाए तो आप वक्फ कर सकते हैं। और ये आखिरी जो है मानका, ये तीन डॉट के निशान है, ये मुख्तलिफ कुरान करीम सूरत बकरा के शुरू में ये निशान है, तो इन इनके लिए जरूरी है कि आप वक्फ अगर करना है तो आपने किसी एक पर करना है, या तो दूसरे पर कर ले या पहले वाले निशान पे कर ले, तो ये नहीं कर सकते कि आप इस पे भी वक्फ कर ले और इस पे भी वक्फ कर ले। और फिर एक और निशान था जो इख्तलाफी निशान था आयत का, वो पांच उर्दू का जैसे पांच लिखा जाता है ना उस तरह का, तो वहां भी रुक जाना आपकी मर्जी है, रुक जाए या कंटिन्यू कर ले, क्योंकि वो इख्तलाफी आयत का निशान है, लेकिन आपकी पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो अब रफी साहब आपको बताएंगे आज के मुईद हम साहब के वक्फ अगर आपको तीन वजूहात जो हमने अभी देखी उनकी वजह से करना पड़ गया है तो आपने वक्फ करना कैसे है। जी जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। मैं इसी बात को आगे चलाता हूँ, वक्फ की अकसाम और उनके दौरान उनके असूल क्या हैं उसके ऊपर बात चल रही है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। दौरान तिलावत आवाज और सांस को तोड़कर ठहरना कवायद की रूह से वक्फ कहलाता है। रमूज़े औकाफ या वक्फ के निशान हमारी रहनुमाई के लिए हैं कि कुरान करीम में बयान फरमूदा मजमून के मुताबिक कहाँ पर रुकना या वक्फ करना है और कहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। इसी तरह वक्फ के उसूल आयत या अल्फाज के आखिर पर वक्फ करने का तरीक बयान करते हैं। कवायद के मुताबिक वक्फ की दर्ज ज़ैल अकसाम है। वक्फ की पहली किस्म वक्फ बिस सुकून है। अगर किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ पर पहले से ही सुकून जज्म की अलामत हो तो तलफ्फुज़ की अदायगी में कोई तब्दीली वाकया ना होगी। जिस तरह आपको मिसाल के तौर पे कुछ अल्फाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं, फलातनहर जैसे लिखा हुआ है वक्फ की सूरत में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। फरगब
فحدث وأمر وانحر. यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम इसको वन हर पढ़ देंगे तो गलत होगा इजहार का रूल. इसी तरह फलातन हर तन हर पढ़ देंगे दो सेकंड के साथ तो भी गलत होगा. अगला असूल वक्फ का है, वक्फ बिल इस्बात. अगर किसी लफ्ज के आखिर पर हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ हो तो वक्फ के दौरान हरूफ मद्दा को उसी तरह अदा किया जाता है और तलफ्फुज में कोई तब्दीली नहीं आती. तो आपने पहले देखा कि पहले दो असूल जो हम पढ़ रहे हैं उनमें जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, तलफ्फुज में कोई तब्दीली नहीं आएगी. इसी तरह अगर किसी लफ्ज के आखिर पर खाली या अलिफ मकसूरा आए और अलिफ मकसूरा से कबल वाले हर्फ पर फतहा या फतहा इशबाइया की अलामत हो तो वक्फ करते वक्त दोनों सूरतों में फतहा इशबाइया के साथ दो हरकात के बराबर या दो सेकंड के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं. जिस तरह ये नीचे दी गई मिसालें हैं, औलू वक्फ की सूरत में आपने दो सेकंड लंबा किया, रसूलुन फदरी सज जैसे कि आपने देखा सूरह अल आला की पहली दूसरी और तीसरी आयत जो है उसमें वसल करके अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें वो दो सेकंड वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, उसको मिला के पढ़ा जाएगा, अल आला लजी पढ़ा जाएगा. सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला लजी खलक फसव्वा. जबकि अगर हम वक्फ करेंगे तो यहाँ पे दो सेकंड लंबा करके वक्फ करेंगे, सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला लजी खलक फसव्वा. यहाँ पे हमने वक्फ की सूरत में अल आला को दो सेकंड लंबा करके वक्फ किया. अगला असूल वक्फ बिल इस्कान है. दौरान तिलावत किसी भी लफ्ज के आखिरी मुतहर्रक हर्फ को वक्फ करते वक्त आरजी सुकून की अलामत के साथ अदा करना वक्फ बिल इस्कान कहलाता है. हमने नौ हरकात के मुतालिक अब तक पढ़ा था, फतहा कसरा दम्मा, फतहा इशबाइया कसरा इशबाइया दम्मा इशबाइया, फतहतैन कसरतैन और दम्मतैन. इनमें से ये लाल फॉन्ट में लिखी गई फतहा इशबाइया और फतहतैन, इनमें से दो हरकात यानी फतहतैन और फतहा इशबाइया के अलावा बाकी सात हरकात वक्फ करते वक्त हमेशा सकून में तब्दील होती. मसलन रोइब तब्दील हो जाएगा रोइब, फीही फीही, रसूलु रसूल, मसवाया मसवाय. आप याद रखें कि या को सुकून की सूरत में भी अपनी उसको खत्म नहीं करेंगे, उसकी आवाज आएगी लेकिन जज़्म के साथ मसवाय, इसको सिर्फ मसवा नहीं पढ़ सकेंगे. बिही बिह, लहू लह. जी क्या कह रहे हैं आप? यौमिन यौम, कुतुबुन कुतुब. आपने देखा कि तनवीन की सूरत में कुतुबुन दो सेकंड था लेकिन सुकून की जब उस पे वक्फ किया तो कुतुब कलकला के साथ सुकून किया उस पे हमने उस वक्फ किया उस पे हमने. अगला असूल वक्फ बिल इब्दाल कहलाता है. दौरान तिलावत किसी भी लफ्ज कुरानिया के आखिरी मुतहर्रक हर्फ की हरकत और आवाज को बदल कर वक्फ करना वक्फ बिल इब्दाल कहलाता है. इसकी दो किस्में होती हैं. पहली किस्म अलिफ मद्दिया के साथ पढ़ना. अगर किसी भी लफ्ज कुरानिया के आखिर पर फतह की तनवीन हो तो वक्फ करते वक्त उसको फतहा इशबाइया या फिर अलिफ मद्दिया के साथ पढ़ा जाता है. मसलन अबदा को जब हम वक्फ करेंगे अबदा दो सेकंड
फतह इश्बाइया में तब्दील हो गया दाल के ऊपर जो फतह है। अलीम अलीम निसा अगला असूल वक्फ बिल अब्दाल का है साकिन हा के साथ पढ़ना। जिस तरह बहुत सी जगहों पे हम इस सुकून की अलामत को देखते हैं, इस असूल को देखते हैं, इन जब इस पे सुकून करेंगे वक्फ करेंगे इस पे तो सुकून की अलामत आ जाएगी। इन एक मिनट जी, सॉरी मैं ना यहाँ पे एक लाइन मिस है, मैं उसकी वजाहत कर दूं कि ये असल में ये है कि जहां भी आप ताय मरबूता देखें या हा मदवरा, ये जो है ना इसको ताय मरबूता कहते हैं और हा मदवरा ये तो ये जहां भी आपके आखिर पे देखें चाहे जो भी हरकत उसके ऊपर हो उसने हमेशा साकिन हा के साथ ही पढ़ा जाए। ये लाइन एक यहाँ पे मिस है तो इसकी वजाहत ये जरूरी है कि ताय मरबूता या हा मदवरा हा जहां भी हर्फ की एंड पे आए चाहे कोई भी अलामत उसके ऊपर हो अगर आपने उसके ऊपर वक्फ करना है तो वो साकिन हा ही पड़ी जाए। जज़ाकअल्लाह वजाहत के लिए। अगली मिसाल जो है इला फल वमल हया जन्नतुन हसनतुन सय्यतुन। तो आपने देखा कि ये जज्म के में तब्दील हुआ और साकिन हर्फ के तौर पर पढ़ा गया। आमतौर पर फतह इश्बाइया किसी हर्फ के आखिर पर नहीं आता सिवाय हरूफ मुकत्तियात में जहां उसको फतह इश्बाइया के साथ ही अदा किया जाता है, मसलन पांचवें असूल पे चलते हैं जिसका नाम है वक्फ बित तश्दीद। दौरान तिलावत अगर किसी लफ्ज के आखिर पर तश्दीद की अलामत हो तो उस मुशद्दद हर्फ पर वक्फ करते वक्त आरजी सुकून के साथ तश्दीद को जाहिर करते हुए वक्फ बित तश्दीद कहलाता है। नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद और हरूफुल कलकला पर यह तश्दीद बाकी हरूफ की नस्बत कदरे ज्यादा होती है। इसी तरह मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर वक्फ के दौरान गुन्ना को भी बरकरार रखा जाता है। मसलन ये कुछ मिसालें हम देखते हैं, फिल हज मिन हुन। आपने देखा कि मिन हुन नहीं पढ़ सकते क्योंकि हा नून हा के साथ मिल रहा है और यहां पे इजहार का रूल अप्लाई होगा। मिन हुन तब बिगैर अल हक अदुव हय। वक्फ बिल इजहार छठा असूल वक्फ का। दौरान तिलावत अगर किसी लफ्ज़ कुरानिया का आखिरी हर्फ नून साकिन, तनवीन या मीम साकिन हो तो वक्फ करते वक्त उसको बगैर गुन्ना के इजहार के साथ पढ़ेंगे अगरचे उनके बाद हर्फ इख्फा या हर्फ अक्लाब आया हो। मसलन नीचे जो दो मिसालें हैं उनमें से आप देखेंगे कि एक नून साकिन की मिसाल है और एक मीम साकिन की।
वलाकिम बाउदत को जब मिला के पढ़ेंगे तो हम 2 सेकेंड नेजल साउंड के साथ उसको मिला के पढ़ेंगे, लेकिन अगर वलाकिन पे हम रुकेंगे तो वहां पे बगैर गुन्ना इजहार के साथ पढ़ेंगे उसको। इसकी मिसाल पढ़ के देखते हैं। لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة। तो आपने देखा कि जब हम रुके तो वलाकिन नहीं किया हमने, वलाकिन ولكن بعدت عليهم الشقة। तो तशदीद और उनकी मखारिज इनका ख्याल रखते हुए पढ़ा। मीम साकिन की मिसाल فليأتي مستمعهم, अगर हमने रुकना है तो बगैर नेजल साउंड के इजहार के साथ فليأتي مستمعهم और मिला के पढ़ेंगे فليأتي مستمعهم بسلطان مبين। तो ये थे वक्फ के कुछ उसूल। शुक्रिया बहुत बहुत। अब ये है कि मैंने ये ज़हन में रखे कि सबसे पहले आपने अगर वक्त सीखना ना सही तरह तो पहली चीज आप देखें कि ताए मरबूता आखिर पे तो नहीं है या हाय मुदवरा, तो अगर तो वो आपने देख लिया चाहे वो फिर तनवीन है उसके ऊपर या कुछ भी है, आपने उसको साकिन हा में तब्दील करना है। दूसरा आप ये देखें कि जो पहले से ही आखिर पर सुकून तो नहीं है चाहे वो, तो आपने या हरूफुल मद्दा तो नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आनी। फिर आपने 7 हरकात जो तब्दील होनी है वो है फतह इशबाइया और तनवीन के अलावा, बाकी सारी हरकात ने सुकून में तब्दील होना है। फतह इशबाइया ने भी 2 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाना है और तनवीन ने भी 2 सेकंड लंबा करके पढ़ा है। इस तरह अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए आसानी बहुत। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने और रखी है, रफी साहब आपको सारी मसाले अलग अलग करके आप बता देते हैं कि हरकात में क्या तब्दीली होनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक को शुरू करने से पहले मेरे दिल में यह तहरीक पैदा हुई है कि मैं आप सबकी खिदमत में मुकर्रम मोहतरम अमाना साहब के लिए खास तौर पर दुआ की दरख्वास्त करूँ। सारी स्लाइड्स बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, फिर माशाल्लाह आपने देखा कितना लंबा लेक्चर यानी दोबारा सारी दोहराई करते हैं, तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इनकी लंबी उम्र अता फरमाए और बरकत अता फरमाए। तो अब हम चलते हैं सबक की तरफ। तो काफ़ी मचल डिटेल से इस पर आपके सामने सबक पेश किया गया, अब दोबारा समझने की प्रैक्टिस ही है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 नंबर तक जो भी अलामतें हैं, यानी 3 बुनियादी हरकत हैं, फतह यानी जबर और कसरा जेर और दम्मा यानी पेश। आगे कसरा की तनवीन है 2 जेर हैं और आगे दम्मा की तनवीन है 2 पेश हैं। तो इसके अलावा आगे वर्टिकल कसरा है जो खड़ी जेर है 6 नंबर पे, फिर अगर आगे फिर 7 नंबर पे उल्टी पेश अनवर्स दम्मा है। तो यहाँ तक आपने देखा कि हर जगह जज़्म ही लगेगी वक्फ करते वक्त। तो पहला लफ्ज़ है ज़ालिका, तो ज़ाहिर है जज़्म लग के बनेगा ज़ालिक। तो क्योंकि ये काफ वो उस हरूफ कलकला में से नहीं है, तो ज़ालिक अगर ये हो गया तो फिर ये तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। काफ को लाक करेंगे यदि इसकी आवाज दोबारा उसमें जुम्बश पैदा ना हो, ज़ालिक। इसी तरह यौमी, तो ये जो यौ है लीन वाला तलफ है तो यौमी ना हो, यौमी। तो जब वक्फ होगा यौम। आगे है नाबुदु,
तो वक्फ होगा दाल पर, क्योंकि जदम आगे कलकला होगा ना बुद्ध। नंबर चार है मख्तूमिन, यहां भी जदम लगाएंगे मख्तूम, तो आगे मख्तूम ऐसे आवाज ना आए, इसमें भी दोबारा उसकी आवाज ना आए। आगे है नंबर पांच कुरआनुन, तो कुर और आ सेपरेट इसमें अदायगी हो, कुरान कुरानुन ना हो, कुरआनुन, तो वक्त कुरआन। नंबर छह पे है रसूलिही, तो वक्त करते हुए हा पर जदम आ जाएगी, जैसे अभी बताया गया कि हा पर जब कोई भी अलामत हो तो जब वक्त पढ़ेंगे तो हमेशा इस पर जदम लगेगी, चाहे इस पर कोई भी अलामत हो, तो रसूली। नंबर सात है यराहू, अनवर्स दम्मा है, उल्टी पेश है, इसकी आवाज हमेशा टू सेकंड लंबी होती है, तो वक्त करते हुए जदम लगाएंगे तो ये होगा यराह। आगे है नंबर आठ मुस्फिरातुन, तो ये भी चाय मरबूता, इसके मतलब कि हमारे सामने अभी आपको बताया है कि जब ये साकन करेंगे इसे तो दो नुक्ते खत्म हो जाएंगे, ये हा में तब्दील हो जाएगा ये लेटर और इस पर जन्म लगेगी मुस्फिरोह, तो इसकी मिसालें वो भी याकीमुस्सलाह रुकना व आतुज़्ज़काह, वहां भी यही ताय बरपता है। आगे है नौ नंबर अबवाबन, तो क्योंकि आगे ये भी आपको पहले बताया गया कि जब भी रुखे मदिया में से कोई आखिर के हरफ हो तो वो उसी तरह पढ़ जाएगा, और जो डबल फतह है दो दबर है वो एक दबर में चेंज होके टू सेकंड बाद लंबी होगी आखिर पे अब वाबा। इसी तरह नंबर दस है यस आ, तो यहां भी क्योंकि आखिर पे या है, या की वजह से वक्त करते बरती गई यही साउंड रहेगा यस आ। नंबर ग्यारह है युह जी, तो ये खड़ी देर है, वर्टिकल कसरा है या कसरा शबाइया है, यहाँ भी टू सेकंड आवाज लंबी करेंगे और जब वक्त पढ़ेंगे इसी तरह पड़ जाएगा, कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी युह जी। आगे चलते हैं दूसरी साइड की तरफ, बारह नंबर पे है रफ़ना, यहाँ भी क्योंकि आखिर पे रुके मध्य में से अलिफ तो कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी रफ़ना, लेकिन यहाँ ये याद है कि यानी आयन का हमदा न बने रफ़ना ना हो, रफ़ सॉफ्ट आवाज होगी रफ़ना। आगे है आप देख सकते हैं कि जो आखिरी हरफ या है उससे पहले लाम पर फतह है, क्योंकि या ब्लैंक है तो ये इसे लाम को वर्टिकल फतह इशबाइया के साथ टू सेकंड लंबी करके पढ़ेंगे अल अला। इसी तरह समझाने के लिए बताया गया कि जब वक्त पढ़ेंगे तो इसी तरह पढ़ जाएगा अल अला। नंबर चौदह पे है यदुन, नून और मीम जैसे कि आपको पता है कि रूफ़े गुन्ना है, तो टू सेकंड गुन्ना के बाद उसकी दम्मा की अलामत का इजहार किया गया यदुन, लेकिन जब वक्त करेंगे तो यदुन ये अंदाज ना हो, ये गलत है, आवाज दोबारा उठे नहीं यदुन, उसको गुन्ना करेंगे लेकिन उसको जुम्बश पैदा ना हो नून में। इसी तरह नंबर पंद्रह पे है मुसम्मन, मुसम्मन जो वक्फ होगा वही विजा की वजह से जो फतह डबल फतह है फतह तैन वो वर्टिकल फतह में तब्दील हो जाएगी मुसम्मा, लेकिन मीम पर टू सेकंड गुना होगा तशदीद की वजह से मुसम्मा। आगे है नंबर सोलह मादूदातिन, तो जो यहाँ पर जो डबल कसरा है कसरा तैन है तो जदम में चेंज होगी मादूदात जब वक्त पढ़ेंगे। इसी तरह सत्रह नंबर पे है निसान, तो पहले मैंने बड़ी दफा अर्ज किया कि नि
सा जो अलिफ और मद है वो हरकत नहीं है कोई, बल्कि सीन के ऊपर जो फतह है उसकी आवाज को मजीद यानी कि टोटली 4 to 6 सेकंड, 4 से 6 सेकंड लंबा करने की अलामत है। निसा अन, तो यहाँ हमजा की आवाज आए, अन ना हो, आय ना बने, ये ख्याल रहे। तो जब वक्त बनेंगे तो जो फतह तैन है, जो तनवीन है जबर की, वो खड़ी जबर में चेंज हो जाएगी फतह शिबाया में। निसा आगे है 18 नंबर, मा इन, तो यहाँ क्योंकि ये कसरा पैन है, दो जेर की तनवीन है, तो यहाँ पर हमदा पर जज़्म लगेगी। अगर फतह की फतह हो हमदा पर तो वो फतह शिपाही में तब्दील करना है, लेकिन जब कसरा पैन होगी तो फिर ये हमदा पर जज़्म लगाएंगे, ये बात याद रखनी है। मा ऐसे मा, ये थोड़ा सा इसका अदार होता है हमदा पे। आगे 19 नंबर, अन्नबीयु, तो बाद दफा गलती होती है, अन्नबीयु तो बी नहीं होगा, क्योंकि बी तब होता है या पर जदम होती, क्योंकि तशदीद है तो फौरी तौर पे बा से या को हिट करेंगे, फिर उसकी दमा एक सेकंड की आवाज पैदा करेंगे। नून पर होगी नुगुना, तशदीद है, अन्नबीयु, तो जब वक्त करेंगे तशदीद उसी तरह कायम रहेगी, लेकिन दम्मा की जगह आ जाएगी जज़्म, अन्नबी। तो आगे है 20 नंबर, मस्वाया, तो जब वक्फ होगा तो या पर जो आखिरी अरफ है उस पर जज़्म होगी, फतह जज़्म से तब्दील हो जाएगी मस्वाज। तो ये थी कुछ मिसालें आपके सामने वक्फ के रूल की, कैसे वक्फ पढ़ना है। तो ये हमज़ातुल वसल आगे आगे, तो अभी जैसे बताया गया कि जब अलिफ के बाद लाम हो तो हम आंखें बंद करके अलिफ पर फतह लगाएंगे। आपने नहीं पढ़ना। अच्छा एक मिनट। अच्छा अच्छा जी, अब ये practice. जो प्रैक्टिस है, ठीक है ठीक तो है, आप प्लीज जो हाथ खड़ा करें तो फिर हम इंशाल्लाह ना, ये दो दो तीन तीन स्लाइड्स है तो जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। M5605 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप मुझे बताएं तीनों अल्फाज को क्या क्या हमज़ातुल वस्ल पे आएगा और क्यों आएगा। इन सब पे फतह आएगी, सब पे फतह आएगी। आपने तो काम ही खत्म कर दिया सारा है, फतह क्यों आएगी? मुझे नहीं पता। चलें कोई बात नहीं बेटे, आप किसी और से पूछ लेते हैं, हम अभी अब बाद में आना दोबारा जब रीडिंग करेंगे। 5565 मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर बताएं, हमज़ातुल वस्ल पे पहले यहाँ पे क्या आएगा या इस पे? यहाँ पे कसरा लगाएंगे अलिफ के नीचे। कैसे पढ़े? इज़हब। तो क्यों लगाया कसरा? ये लाम अपना तीसरा हरफ जो है उसके ऊपर दम्मा नहीं है, और सेकंड हरफ जो है वो लाम नहीं है, इसीलिए। एक्सीलेंट, और फतह है उसके ऊपर जी, तीसरे मुतहरक हरफ। चले इधर, इन्होंने अलामत तो ठीक बता दी, लेकिन तलफ्फुज में ना जब ज़ाल के साथ जुड़ेगा अलिफ तो इज हबा नहीं, जाल में जुम्बश पैदा ना हो, क्योंकि ये हरूफ करकरा मिच नहीं है, इसको सुकून की अलामत जरूर है, लेकिन इज हबा, तो ये थोड़ी सी दुरुस्ती कर लें आप। जज़ाकअल्लाह। यहाँ पे भी सर कसरा आएगा हमज़ातुल वस्ल में, ठीक है। 12 दोबारा पढ़े नहीं, यहाँ तो यहाँ वक्फ कर रहे हैं तो फिर वक्फ का उसूल लगाए ना, वक्फ का उसूल लगाए यहाँ पे। जो लास्ट में सर अलिफ आ रहा है उसको
रा और अलिफ नहीं पढ़ेंगे सर? कैसे पढ़ के दिखाएं, क्या पढ़ेंगे, पढ़ के दिखाएं? पढ़ा नहीं ना आपने, आपने पढ़ा नहीं ना, इसलिए इसलिए मैंने पूछा। इस्तिकबारा, नो अलिफ तो नहीं पढ़ा आपने। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, इस्तिकबारा। हाँ जी, बा भी दो सेकंड करें और रा भी दो सेकंड, दोनों की बैलेंस होना चाहिए। जी जी, अच्छा अब इस पे बताएं, तीसरे पे? तीसरे पे सर दूसरा हरफ लाम है, इसलिए हमजतुल वसल पे फतह आएगा। अल खबीर, ठीक है, जज़ाकुल्लाह। अच्छा अभी बिठाने मैं ये एक एक साथ साथ ये भी कर लेना, ये पढ़े जरा, इसको इसको पढ़े जी। तो निज़हब, अगर यहाँ पे पहले आपने इस हब से पहले समझे कि वक्फ करना, तो क्या फिर कैसे पढ़ेंगे? तो इस हब नहीं, ये वाव के ऊपर बेसिकली नून, मैंने बताया था कि नून कुतनी ये बता रहा है कि वाव के ऊपर तनवीन है, तो अगर आपको वक्फ करना पड़ गया तो वाव की तनवीन को क्या तब्दील करेंगे, अलिफ फता के साथ और आगे अलिफ लगा के पढ़ेंगे, तू वा, ऐसे, ठीक है जी सर। वो यही मैंने चेक करना था, तो वो आप, अच्छा चले, ये मिसाल तो वाजे है आपके सामने, पढ़े। फखूरा अल्लदीना, अब मिला के पढ़े, फखूरन अल्लदीना। जब आपने मिला का पढ़ना था फिर ये वाला अलिफ अदा नहीं होना, ये यहाँ पे ये ट्रिक था, तो रा नहीं करना फिर, फखूरा निल, वेल डन, तो ये भी पढ़ देना फिर। चले, बिजीनतिन कलब, नो तीन क्यों कहा, बिजीनतिन, बिजीनतिन कलब, हम ठीक है, बहुत शुक्रिया, वेल डन। 5611 मैंने आपको अनम्यूट किया। जी प्लीज। इत्तखज़ू उदखुलू, अच्छा इस पे अब सब पे वक्फ करें। इत्तखज़ू अद्दुनिया उदखुलू, कोई तब्दीली नहीं आनी थी, यही मैंने यहाँ पे था, इसका मतलब माशाल्लाह अच्छा बहुत। ये लाइन आप प्लीज पढ़िए, सेकंड मिडिल वाली लाइन। लूतिल मुरसलीन, नहीं तिल क्यों कहा, मिलाकर जब वसल करके पढ़ना है तो तेल तो नहीं ना कहना, लूतिनिल मुर्सलीन। जी अब वक्फ करें दोनों को, लदा लदा पढ़ें दोनों अल्फाज को, लूतिल मुर्सलीन। ये तो आपने वसल के साथ पढ़ लिया ना, अब दोनों अल्फाज के ऊपर वक्फ करें और फिर दोनों को पढ़ के। लूतिनिल मुर्सलीन, नहीं वो आपने वसल के साथ पढ़ लिया ना, आप समझेंगे ये सिर्फ आपने पढ़ना है वक्फ करके और यहाँ से शुरू करना, इसको अच्छा, भी वक्फ के साथ पढ़ना। अच्छा, लूत निल मुर्सलीन, जब वक्फ कर लिया इस पे तो फिर नून कुतनी ने दा नहीं होना, अच्छा, कभी भी तलावत नून कुतनी से शुरू नहीं होती, ठीक है? ठीक है, फिर हमज़तुल वसल का कायदा अपने अप्लाई करना है, इसलिए लूत उल मुर्सलीन। यहाँ पे उल की क्या वजह है ये मुझे बताएं, यहाँ तो आपने ठीक पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ा था आपने, दुनिया क्यों पढ़ा था, दुनिया
कि लाम है जी, है अब दुनिया इसलिए पढ़ा था कि लाम जी, है जी, तो यहाँ पे आगे ये लाम नहीं है, ठीक है, अल मुरसलीन, अच्छा जज़ाकअल्लाह, ठीक है, ठीक है जज़ाकअल्लाह, नहीं अभी दो है ये, अच्छा अब अगला पढ़ूं या इसी को भी करूं? नहीं ये कर ले इसको भी, ठीक है, ठीक है, लूत अल-मुर्सलीन, इनको भी आपने वक्फ के और पहले वसल के साथ पढ़े फिर वक्फ के साथ प्लीज, ठीक है, लूत, नहीं नहीं नेक्स्ट ये वाला जो, अच्छा, जज़ा निल हुस्ना, जज़ा अल हुस्ना, ठीक है, अगला पढ़ूं जी, तीसरा आखिरी, आहादु निल्ला निल्लाहु जी, वक्फा नहीं होना चाहिए, जब वसल करना है तो फिर वक्फा नहीं होना चाहिए, आहादु निल्ला निल्लाहु, आहादु निल्लाहु, आहादु ऐसे कहा ना ब्रेल गानी, आहादु निल्लाहु समूह पढ़ना है बिल्कुल, आहादु निल्लाहु, आहादु निल्लाहु, आहादु आहादु निल्लाहु, चलें वक्फा रहें दरमियान में, आहद निल्ला अल्लाहु, सॉरी, एक्सेलेंट माशाल्लाह, चलें ठीक है जज़ाकअल्लाह, 5570 आप पढ़ें प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप ही पढ़ें इसको पढ़ें चलें, ठीक है, पहले आपने वसल के साथ पढ़ना जी, फिर आप पहले वसल के साथ फिर वक्त के साथ दोनों हरफ पढ़ें, ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لوط المرسلين لوط المرسلين نہیں یہ مرسلین میں نے بتایا تھا کہ یہ ن کی آواز نہ آئے المرسلين المرسلين جزاء الحسنى جزاء الحسنى جزاء 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 تب ہو پہلے اس پہ جا لگا لفظ ہے حرف ہے جزاء لگا حرف ہے ٹھیک ہے جزاء نل او سوری الحسنى ٹھیک ہے احد اللہ نلا بری کے بارے میں پڑھا جائے گا جی احد اللہ ہو احد نہیں پہلے پورا پڑھے نا احد اللہ احد اللہ اندر چلیں احد اللہ لام اٹھا نہیں کرنا ٹھیک ہے चले अब ये बताएं इनको बताएं ओके इसको पढ़ेंगे इर्जी जी और इसको पढ़ेंगे उक्तुलू उक्तुलू और ये होगा अमलू नहीं सॉरी ये इमलू होगा या मलू आयन पर वार ठहरेगी जी इमलू ठीक है कसरा आएगी ना अलिफ के नीचे मालू क्यों क्यों आएगी कसरा बिकॉज इसके पहले अलिफ लाम नहीं है लाम नहीं है और साथ में ये कि तीसरा वर्ड मुतहरक जो है ना वो चाहे कसरा में हो या फता में हो वो अलिफ के ऊपर कसरे ही आती है यस ठीक है शुक्रिया बहुत बहुत आपका अब लास्ट है जनाब 5570 पता नहीं इन्होंने पढ़ लिया था अस्सलाम वालेकुम पढ़ लिया था आपने जी अस्सलाम वालेकुम अभी मैंने पढ़ा जी अच्छा आपने पढ़ा अच्छा जी माहिद बेटा जी आओ जी
जी पढ़े हैं, मुझे बताएं कराइए। हमजतुल वसल पे अलामत लगाएं अपनी मर्जी की और पढ़ें फिर। अल मुजीबु, ठीक, इख्तिलाफी, गुड, अंदूर, नो, पहले तो पहले जूर नहीं है, पहले तो बात ये है, सॉरी, अंदूर नहीं, अलिफ पर देखें, अलिफ के बाद कौन सा लेटर है? नून। तो अलिफ ला, अलिफ लाम हो तो फिर तो फतह आती है, लेकिन नून हो तो फिर क्या देखेंगे हम? अंद, इंदूर नहीं, जब दम्मा हो ना तो हमेशा दम्मा ही लगेगी, फिर वो कसरा या फतह हो तो हमेशा फतह, ओके, अगर दम्मा है तो दम्मा, उन्जुर, ओके, उन्दूर, उन्जुर, उन्दूर, जी। चलो शुक्रिया बहुत बहुत, लगता है कि मैंने अभी काफी सारी प्रैक्टिस मैंने आज रखी थी मुझे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है, अगली क्लास में हम भरपूर इन सारे कवायद की ना प्रैक्टिस मेरा ख्याल करनी चाहिए, तो इसको मुकम्मल करेंगे कल, अगली क्लास में हम प्रैक्टिस रखते हैं इंशाल्लाह ताला, सबको मौका मिले। आज देख लिया आपने, अक्सर ने अच्छा बहुत पढ़ा है माशाल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो के आप खुद पहली ही दफा में इसको बिल्कुल ठीक पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला इसकी दोबारा में अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे जुमे रात को, उस वक्त तक सब इजाजत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ पढ़ दें जी, सॉरी। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम, ऐ मेरे खुदा मुझ पर कुरान अज़ीम की बरकत से रहम फरमा, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।